हे फ्रेंड्स, आपका सीता की रसोई में स्वागत है। आज मैं आपको परवल की सब्जी बनाना सिखा रही हूँ। सब मैंने कुछ परवल को छील कर ऊपर और इसके चार टुकड़े करके हल्दी नमक रख लगा के रख दिया है थोड़ी देर। तब तक मैं इसके मसाले तैयार कर लेती हूँ। इधर मैं जार में एक टमाटर और तीन चार हरी मिर्च रख दी थी। ये मिर्च थोड़ी कम तीखी है, इसलिए अगर ज़्यादा तीखी हो आपके घर में जो हरी मिर्च है तो कम भी डालना, तीखा जैसा चाहिए। और इसमें मैं ये छोटे छोटे प्याज टुकड़ों में काटे हुए हैं ये भी डाल देती हूँ। और थोड़े से अदरक और लहसुन ये सब डालकर अभी मैं इसको ग्राइंड करके रख लूँगी, फिर परवल को फ्राई करेंगे। पहले तेल गरम करें कढ़ाई में। अब ये तेल गरम हो गया है तो मैं ये जो परवल में हल्दी नमक लगा कर रखी हूँ ये मैं इसमें डाल दूँगी, फिर इसको थोड़ा थोड़ा करके चलो 5 मिनट तक भून लेंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। इसमें देखो जरा सी आधा चम्मच हल्दी डाली, कश्मीरी लाल मिर्च 1/4, धनिया 1/4, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, जीरा काली मिर्च कुटा हुआ 1/4 चम्मच। बस यही मसाले हम डाल के तैयार कर लिए हैं। उधर सब्जी हमारी फ्राई हो रही है। अभी थोड़ी देर और इसको भूनेंगे, 5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और भून लेंगे ताकि ये पक जाए, फिर मसाले फ्राई कर लेंगे। अब ये परवल फ्राई हो गया 5 मिनट बाद। अब मैं इसको निकाल के दूसरे बर्तन में रख देती हूँ, उसके बाद इसमें मसाले फ्राई कर लेंगे इसी तेल में। अब बचे हुए तेल में मैं थोड़ा सा जीरा, ये 2 तेज़पत्ते, मैंने मसाले इसमें डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह चला के थोड़ी देर ढक के छोड़ देंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देती हूँ। मसाला भून के तैयार हो, पानी डाल दिए इसमें जैसे ग्रेवी चाहिए वैसे। इसमें उबाल आने दे, पहले ग्रेवी में उबाल आ गया है, अब सब्जी इसमें मिक्स कर दें। फिर हमने जो फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल दें। इसमें थोड़ा सा छोटा चम्मच से गरम मसाला मिक्स कर दें और अच्छी तरह चला के 5 मिनट के लिए ढक दें। फ्रेंड्स, ये मेरी सब्जी बनकर तैयार हो रही है, परवल वाली। अब इसे मैं कटोरी में निकाल कर दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है, सजा के दिखाती हूँ। हे फ्रेंड्स, देखो कटोरी में निकाल के मैं दिखा रही हूँ, कैसा लगा आप बताओ, बनाओ घर में, फिर बताओ आप लिखकर कैसा लगा कमेंट में। अच्छा लगे तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।